अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो व्लॉग है ना, ये चांद रात से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ईद का व्लॉग भी इसी में ही आ जाएगा। तो जी, अभी रात का टाइम था और मीठा बना रही थी इधर मुस्तफ़ा की फूफो, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ रेसिपी भी मैं साथ साथ ही शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ना, जो ऑल पर्पस मिल्क होता है ना, वो 1 kg ले लिया था। उसको जो है वो अच्छे से बॉयल नहीं, मतलब हल्का सा जब वो गर्म हो जाए ना, तो उसमें चीनी ऐड करनी है। आगे दिखाती हूँ आपको। अभी हाफ ग्लास मिल्क के अंदर ना 3 चम्मच भर के ना कस्टर्ड का ले लेना है। अच्छा, कस्टर्ड आप लोग मैंगो फ्लेवर ले लें, कोई भी ले लें। हम लोग इधर मैंगो फ्लेवर ही ले रहे थे। आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है ना, वो आप ले सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से इधर मिक्स कर देना है। इस दफ़ा ईद बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी होती है ना हमेशा, बहुत डिफरेंट ईद थी। तो खैर, जैसा भी व्लॉग बनाया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 1 कप जो है ना, वो चीनी ऐड कर दी है। उसके बाद चीनी जैसे ही मिक्स हो जाएगी दूध में ना, तो जो कस्टर्ड मिक्स किया हुआ था, साथ साथ वो ऐड करते जाना है। और साथ ही साथ जो है ना, वो मिक्स कर रही है आमना, मैं साथ साथ डालती जा रही थी। बस यहाँ पे हम सब लोग, यहाँ पे तकरीबन ना रात का कोई 1 बजे का टाइम होगा, जब हम लोग ठहर के ना ये मीठा बना रहे थे, क्योंकि ये ठंडा अच्छा लगता है सुबह। फिर सुबह जैसे ही जो है मुस्तफ़ा के दादा, अबू और बाबा आएंगे, तो वो मीठा ही खाते हैं सबसे पहले आके, जब नमाज़ पढ़ के आते हैं ना। बस आमना यहाँ पे जो है वो फ्रूट कट कर रही है, और मैं जो है वो मुस्तफ़ा के, मैंने कहा कुछ कुप्पे वगैरह प्रेस करने हैं, तो वो मैं निकाल देती हूँ। या मैं अभी प्रेस कर लूँगी, या तो फिर जो है ना वो सुबह ही प्रेस करूँगी, क्योंकि सुबह मोस्टली जो है वो प्रेस कर लेती हूँ मैं, लेकिन आज टाइम ही नहीं मिला। बस ये हल्का हल्का ही प्रेस करना है, ऑलरेडी जो है वो प्रेस है ना। उसके बाद ये वाला जो इसका ड्रेस है, इनको तो मेरे ख्याल में अब करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। और जो मेरे ड्रेसेस हैं, वो मैंने प्रेस भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कपड़े हम लोगों ने पहने नहीं हैं इस बारिश पे। तो ये देखें, ये सारे ड्रेसेस जो है ना, ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं शॉपर में। बस कल मैंने ये निकाले थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है वो वीडियो दी थी, मतलब ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो दी, और दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह का जोड़ा है इस दफ़ा ईद का जो मैंने लिया। अच्छा, ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो आप लोगों ने देखनी है ना, तो आप लोग इससे लास्ट वाली जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में ना ऐड कर दूंगी। उसमें मैंने अपना ईद का आउटफिट जो है वो भी शेयर किया हुआ है आप लोगों से। खैर, कस्टर्ड बन गया था, उसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ अब जो ये फ्रूट केक होते हैं ना, फ्रूट केक होते हैं बेकरी से ईजिली आप लोगों को मिल जाते हैं, इनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस करके ना, एक किसी जिस भी बाउल में आप लोग मीठा बनाना चाह रहे हैं उसमें इस तरह इसके पीसेस करके, तो सारे नीचे सबसे पहले इसकी लेयर आपने लगा देनी है अच्छे से ना। अभी क्योंकि असेंबलिंग करने लगे थे हम लोग, जैसे ही कस्टर्ड जो है वो ठंडा होता है, नेस्ले का जूस मैंगो फ्लेवर, क्योंकि हमारा जो कस्टर्ड है वो मैंगो फ्लेवर है। और इधर जो है ये नेस्ले वाला जो जूस है, तकरीबन हाफ जो इसका पैकेट है ना, वो इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद ये फ्रूट्स कट करके जो रखे हुए थे ना, वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारे फ्रूट अब इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, हो जाता है कभी कभी ऐसे। उसके बाद जी, ये जो कस्टर्ड ठंडा हो गया था, इसमें अब हाफ जो मिल्क पैक की ये क्रीम होती है ना, वो इसमें ऐड कर देनी है, जो फुल क्रीम में होती है। उसके बाद ये कंडेंस्ड मिल्क है, आपने इसमें जो है फिर कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देना, थोड़ा सा ही ऐड किया था। आओ प्लीज। आज का व्लॉग जब मैं एडिट करने के लिए बैठ रही हूँ ना, तो ये जो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को बगैर वॉइस ओवर की और अनफिल्टर्ड जो वॉइस आ रही है ना, ये मुझे सुन के इतना अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग जब आम रूटीन में इस तरह काम कर रहे होते हैं बगैर वॉइस ओवर के, तो किस तरह से जो है ना रैंडमली हम लोग बातें कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर अब जो भी हम लोगों ने फ्रूट और फ्रूट केक और ऊपर फ्रूट जो स्प्रेड किए हुए थे, उसके ऊपर ये सारा कस्टर्ड जो है ना, वो इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अभी आप लोगों को ये लिक्विड नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा ना, तो ये गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ना इसका फ्लेवर था। एक दफ़ा ये मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब इसको जो है फ्रीज़र में रख दिया है ठंडा होने के लिए। खैर, उसके बाद जी, अब जो है ईद का दिन था, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी, कमेंट सेक्शन में आके। खैर, इधर मुस्तफ़ा के मैंने कपड़े निकाल लिए थे, मुस्तफ़ा के बाबा ईद नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, मैंने सोचा जब तक वो आते हैं ना, इसको मैं रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो गया था बिल्कुल। मुस्तफ़ा को इस पर तैयार करके ना फौरन जो है मैंने अम्मी की तरफ भेज दिया था, क्योंकि मेरी बहन ने भी कह रही थी कि इसको बस तुम ना भेज दो। मेरा इरादा नहीं था आज उधर जाने का, तो लेकिन मैं बाद में फिर गई थी, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और मेरे पीछे ये फूफो ने कलेजी बनाई थी, जब मैं गई थी ना तब बकरा बन रहा था,
जब मैं वापस आई तो मैं फूफो ने यहाँ पे कलेजी बनाई थी, मैं मटन बना के गई थी। मटन बनाते हुए मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि सुबह इतनी गर्मी थी, बस फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मटन मैं बना के गई थी, कलेजी इधर फूफो ने बनाई थी। कलेजी बड़ी मज़े की बनी हुई थी ना, वापस आके फिर मैंने ये टेस्ट की। उसके बाद जी अब ये नेक्स्ट डे है, ईद का ये सेकेंड डे है, वही सुबह सुबह सारी रूटीन शेयर हो रही है। मैंने आप लोगों को जैसे स्टार्ट में कहा ना कि इस दफ़ा की ईद बिल्कुल डिफरेंट थी दादी माँ की वजह से ना, इस तरह ईद नहीं होती, बल्कि लग ही नहीं रहा था कि ईद है ना। हर तरफ इस तरह सब खामोश थे, छोटे बड़े सब लोग बिल्कुल चुप थे ना। बस जाना तो हर किसी ने है लेकिन अपने कभी भी नहीं भूलते इंसान को। खैर अभी यहाँ पे मैं ये, आप लोग मेरे किचन में अक्सर ये वाला स्टैंड देखते होंगे, आज मैंने सोचा इसकी ना सेटिंग थोड़ी सी चेंज करती हूँ। टाइम टाइम के साथ ना मैं बस बंदा उकता जाता है एक एक चीज़ देख के ना, मैंने सोचा इसमें चलो कुछ नई चीज़ें लगा देती हूँ। तो ये दोनों जो आप लोगों को आवाज़ नज़र आ रहे हैं ना, ये रखे थे मेरे पास, मैंने कहा कि चलो इसमें लगा देती हूँ। ये कप आपको दिखा रही हूँ, हम लोग शादी पे गए थे ना कुछ अर्सा पहले, कुछ व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, फूफो की बेटी की शादी थी तो उन्होंने ये कप दिया हुआ था फूफो को। तो ये भी मैंने, ग्रीन कलर का कप है, बड़ा प्यारा ग्रीन साइज़ का कलर है, वो भी मैंने इधर रखा हुआ है। उसके बाद ये छोटी मोटी सारी चीज़ें जो है ना इधर रखी हुई हैं, इस तरह प्रेजेंटेबल लगती है, हमारी किचन बहुत प्यारी लगती है। काम करते हुए तो वैसे ही इंसान को अच्छा लग रहा होता है, मतलब इस तरह की कोई चीज़ रखी हो ना। वैसे मैं सोच रही हूँ अपनी किचन में ना मैं मनी प्लांट रखूँगी ना बहुत जल्द, काफ़ी अर्सा से सोच रही हूँ लेकिन रख ही नहीं सक रही, बस डिले होता जा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब जल्दी जो है ना एक मनी प्लांट रखूँगी। अच्छा ये कॉफ़ी का पूरा जार ना सर्दियों में लिया था, सर्दियों में ही कॉफ़ी पी जाती है, अब ये पूरा बचा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं DIY करके ना अच्छे से मास्क बना के इसको यूज़ कर लूँगी ना स्किन के लिए, कॉफ़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बस ये काम हो गया था। अब आज जो है मैंने चिकन पुलाव बनाना था तो वही तैयारी मैंने अब स्टार्ट कर दी थी चिकन पुलाव बनाने की। इसकी मैं कोई डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि मैं किस तरह से जो है ना वो चिकन पुलाव बनाती हूँ, तो बस जल्दी जल्दी से बना रही थी। इतनी 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 गर्मी है ना, दिल ही नहीं करता कुछ करने का, बस बस दिल करता है कि इंसान जो है वो एसी वाले रूम से निकले ही ना, लेकिन किचन में आके काम करना ही पड़ता है। मुझे पता है आप सब जो भी काम करते हैं ना आप सब लोग रिलेट करते होंगे, कितनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है आजकल हमारे सिटी में, तो टेम्परेचर आप लोग यकीन करें 47, 48, 49 तक भी चला जाता है ना, शदीद शदीद गर्मी हो रही है। इस गर्मी में तो बंदा जितना खुद को जो है वो हाइड्रेट रखे ना उतना काफ़ी है क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बच्चों को भी पानी पिलाएं, खुद भी बहुत ज़्यादा पानी पिएं। खैर यहाँ पे बस मैं मुस्तफ़ा के ये फीडर रैक वगैरह और फीडर अब वॉश करने लगी थी, ये सबसे मेन काम होता है। अच्छा मैं आप लोगों को ना एक आप लोगों को अपने दिल की बात बताती हूँ। मैं, मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुस्तफ़ा जो है मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब शादी के बाद ऑटोमेटिकली हर औरत का दिल करता है, हर लड़की का दिल करता है कि ना उसको माँ बनने का जो सुख है वो नसीब हो। तो मैं भी ऐसे किसी को देखती थी ना, तो एक मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनको देख के हमें दिल करता है कि हम भी जल्दी से स्टेज पर आ जाएँ। तो मैं जिसको किसी को भी कोई ब्लॉग देखती थी या कुछ भी ऐसा देखती थी जिसमें कोई मदर है वो इस तरह फीडर वॉश कर रही है या मतलब इस तरह बच्चे से रिलेटेड कोई भी काम कर रही है ना, तो मेरा इतना दिल करता था। मैं अल्लाह पाक से वैसे दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे भी ये वक्त जल्दी नसीब कर। तो बिल्कुल हर चीज़ में देर हमारी बेहतरी के लिए ही हो रही होती है, हमें हम लोग जल्दबाज हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी भी चीज़ में आपको देर कर रहे हैं ना, आपको देर से अता कर रहे हैं, तो शायद बात यही होती होगी, शायद आपका रब चाहता है कि आप उससे मांगें, क्योंकि दुआ में भी बहुत बहुत ज़्यादा असर होता है और आप जब दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला इस चीज़ से भी खुश होता है। तो आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको औलाद नहीं हो रही या वो चाहता है कि उसे औलाद की खुशी नसीब हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर नसीब होगी। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, सब्र रखना है, आप अपने अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखना है। अच्छा खैर यहाँ पे मैं किचन में फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और यहाँ पर मुस्तफ़ा के काम देखें, आजकल ना इसने यही काम सीखा हुआ है, ये वाली कबर्ड खुल जाती है आजकल इससे और इसने सारे कपड़े जो हैं वो नीचे गिरा देने हैं। जितना मैं बंद कर दूँ ना फिर इसने जाना है, फिर से ये सारे कपड़े जो है नीचे गिराने। अब सारा दिन ना यही कुछ ही मैं समेटती रहती हूँ लेकिन खैर बच्चों से ही घर में जो है वो रौनक होती है। अल्लाह ताला जिसकी भी औलाद नहीं है ना, मेरी दुआओं के सदके, इस वक्त के सदके जो है वो हर बे औलाद को औलाद से नवाज दे। आप सब भी आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा।
खैर यहाँ पे मैंने चावलों को जो है वो दम लगा दिया था और दूसरी तरफ मैं ओजरी बना रही थी। अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा कौन कौन जो है वो ओजरी खाता है, काफ़ी लोग होंगे जो नहीं खाते होंगे, मुझे अच्छी लगती है। मैं बना आज वैसे मैं बना फर्स्ट टाइम रही हूँ, अम्मी हमेशा बनाती हैं और बहुत बहुत अच्छी बनाती हैं। आज मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही थी, वैसे अच्छी बनी हुई थी, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन कौन जो है ना पसंद करता है, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी लोग हैं जो नहीं खाते ना, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको इसका टेस्ट अच्छा भी लगता होगा। तो बस साथ में मैं वही बना रही थी। इसको ना धोने का बहुत ज़्यादा मसला होता है, इसका मेन काम होता ही धोने का है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ खेली 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 खेली? अमना के साथ बोलो। बोलो मुस्तफा, मुस्तफा बोलो, आमना, आमना बुआ। हाँ आपकी दोस्त मैं, सहेलियों में आपकी मैं आपकी, बोलो आमना फूफो। अच्छा बोल बोल दो ना फूफो, बोल दो फूफो, बोल दो। अच्छा ये मुझे दो, ये बाबा का है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दो, ये बाबा ना फूफो। अभी जी बस यहाँ पे जो है राइस बिल्कुल बन के तैयार हो गए थे। मुस्तफ़ा को आपने देखा ना, वो अपनी फूफो के साथ बड़ा 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 खुश होता है माशाल्लाह। उसको होता है सारा दिन बस अपनी फूफो के कमरे में ही रहता है, जब वो आई हुई होती है ना, और जब जाती हैं फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। खैर यहाँ पर राइस देखे माशाल्लाह बन के बिल्कुल रेडी हैं। राइस में मुझे लगता है जो इस तरह के निखरे निखरे चावल बना लेता है ना, वो कुछ भी बना लेता है, मुझे ऐसा लगता है। चावल एक ऐसी डिश है ना जो ये बना लेता है तो उसकी सारी कुकिंग ही अच्छी होती है। यहाँ पे ओजरी का सालन भी बन चुका था, चावल भी बन चुके थे, बस किचन से जो है ना अब मैं बिल्कुल फ्री होने वाली थी। रोटी बनानी नहीं थी, सबने राइस खाने थे दिन में, तो ये सालन जो है ये सबने रात में ही खाना था। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मिलती हूँ जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।